हेलो एवरीवन, पाइथन के अंदर आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग सेट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर सेकंड पहले ही अपलोड किया गया है, आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है टारगेट 200 क्वेश्चन, है ना, 200 सेट क्वेश्चन। तो सेट नंबर सेकंड पहले ही अपलोड किया गया है और ये सेट नंबर फर्स्ट का सेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक से लेकर के 50 तक क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 50 होगा और हर एक क्वेश्चन जो होगा एटलीस्ट कम से कम 2 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। मतलब टोटल जो आपका मार्क्स हो गया 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन से रिलेटेड है, जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में अभी तक हम बताए हैं उससे पूरा का पूरा रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप एक बार सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा ऑप्शन माइंड में, उसके बाद आंसर को मैच कर लीजिएगा। चलिए तो आते स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं हम लोग सेट नंबर फर्स्ट को। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले किसके बारे में, हम लोग सेट फर्स्ट को सॉल्व करके देखने वाले हैं। एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि किसके बेसिस पे सेट किया गया है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, उस टॉपिक के ऊपर सेट किया गया। तो चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। टेलीग्राम पे जो पीडीएफ सेंड किए हैं उसको आप ओपन किए होंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देते हैं हमेशा पीडीएफ का, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम अगर ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो हर चीज का अपडेट आपको पहले ही मिल जाता है, ठीक है। इससे ये बेनिफिट होता है, तो आपको कुछ इस तरीके का शो हो रहा होगा इंटरफेस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। एमसीक्यू है, 50 एमसीक्यू है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके एक बार चेक कर लीजिएगा अपने आंसर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन एंड व्हेन डिड ही स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। पाइथन का क्रिएटर कौन है और सबसे पहले वो उसके ऊपर काम कब करना शुरू किए थे, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, हु इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन, पाइथन लैंग्वेज को बनाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है और पाइथन के ऊपर सबसे पहले काम कब किया गया था, पाइथन के ऊपर इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले कब किया गया था। ये तो हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, बी देख सकते हैं, सी देख सकते हैं और डी देख सकते हैं। इसमें से आप चूज कर लीजिए कौन सा सही है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद प्ले करके देखिएगा, आंसर को मैच कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गाइडो वेन रोशन, ठीक है। 1989 में पाइथन का सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया था, 1989 में पाइथन का इंप्लीमेंटेशन, उसके ऊपर काम किया जाने लगा था और गाइडो वेन रोशन क्या किए थे, उसके ऊपर काम किए थे, ठीक है। तो गाइडो वेन रोशन एक साइंटिस्ट है जो पाइथन लैंग्वेज को डिजाइन किए थे सबसे पहले, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन एंड व्हेन वाज इट रिलीज। सबसे ओल्डेस्ट वर्जन कौन सा है पाइथन का, हम बता चुके हैं ओल्डेस्ट वर्जन कौन सा है पाइथन का। एक बार आप ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद सोचिएगा, फिर यहाँ पे जब हम बोलेंगे तो आप आंसर को मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे ए में कुछ ऑप्शन दिया है, बी में है, सी में भी है और डी में भी है। तो इसमें क्या है, 0.80.0 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 90 होगा, ठीक है। 0.90.0 1991 में, ठीक है, पाइथन का सबसे पहला वर्जन रिलीज किया गया था। पाइथन का सबसे ओल्डेस्ट वर्जन भी उसको बोलते हैं और पाइथन का सबसे पहला वर्जन भी है, कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.90.0 1991 में सबसे पहला वर्जन रिलीज किया गया था पाइथन का। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इन विच ईयर एंड प्लेस डिड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन इज बिगिन। कहने का मतलब क्या है, कौन से ईयर में, कौन से साल में और कौन से जगह पे पाइथन का सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया था, वही क्वेश्चन है, लेकिन क्या है थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है। तो इन विच ईयर एंड प्लेस, कौन सा जगह और कौन सा साल में पाइथन का इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ था, ये पहला क्वेश्चन से ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग है। तो हम बताएं, पाइथन सबसे पहला वर्जन, जब पाइथन का इंप्लीमेंटेशन कब हुआ होगा, सोचने वाला बात है, पाइथन का इंप्लीमेंटेशन उसी समय हुआ होगा जब उसका सबसे पहला वर्जन को बनाया जा रहा होगा। तो अभी बताएं पहला वर्जन कौन सा है, यहाँ पे 0.90.0 और इसका ईयर भी यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इसका जो मतलब आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1991 CWI इन नीदरलैंड, ठीक है। अब CWI क्या है, तो ये भी हम बता चुके हैं, एक तरह का लेबोरेटरी है, मैथमेटिकल लेबोरेटरी है जो नीदरलैंड में है, एमस्टरडैम साइंस पार्क के नजदीक है, ठीक है। वहीं पे बनाया गया था, उसी लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था पाइथन लैंग्वेज को, ठीक है, एबीसी को रिप्लेस करके। खैर अभी सब आंसर नहीं बता देंगे, अभी ही बता देंगे, अभी समझाना नहीं, अभी सिर्फ बताना है आपको, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द नेम पाइथन फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है पाइथन जो नाम ओरिजिन है, पाइथन जो आया है किसके नाम से आया है, पाइथन का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ पाइथन। कहने का मतलब क्या, पाइथन जो आया उसका ओरिजिन क्या है, पाइथन आया कहां से, उसका नाम कैसे पड़ा पाइथन, यही चीज़ क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का मतलब यही है। तो पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पाइथन का नाम क्या, मोंटी फ्लाइंग सर्कस ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप शो है, उससे पड़ा था, या फिर और भी ऑप्शन है, पैराडोरा पाइथन है, अमेरिकन पाइथन है, एडा पाइथन है, ठीक है। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप हुआ करता था पहले, ठीक है, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से, ठीक है। एक फ्लाइंग सर्कस था, ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप था, ठीक है, और वो ग्रुप क्या करता था, एक फ्लाइंग सर्कस को दिखाता था, उसी ग्रुप के नाम पे पाइथन का नाम पाइथन पड़ा था। उस ग्रुप का नाम क्या था, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है,
हाउ डज पाइथन कंपेयर टू सी एंड एबीसी इन द टर्म ऑफ पावर एंड सिंटेक्स? आप पाइथन को एबीसी और सी लैंग्वेज से कैसे कंपेयर करते हो, किसके किसके टर्म में? तो पावर के भी टर्म में, उसके साथ साथ सिंटेक्स के भी टर्म में, मतलब उसका जो सिंटेक्स होता है पाइथन का, और वो पाइथन जो है पावरफुल भी है। इस बेसिस के ऊपर एबीसी और सी लैंग्वेज से आप कैसे कंपेयर करते हो? तो आप कैसे कंपेयर करते हो, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है पाइथन इज मोर पावरफुल एंड हैज अ सिमिलर सिंटेक्स टू सी। कहने का मतलब पाइथन, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि पाइथन जो है काफी पावरफुल है और सिमिलर सिंटेक्स होता है सी का, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी है, पाइथन इज लेस पावरफुल एंड हैज अ डिफरेंट सिंटेक्स फ्रॉम सी। पाइथन कम पावरफुल है और डिफरेंट सिंटेक्स है सी से। तो ये भी ऑप्शन थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। अब ये क्या है? पाइथन इज मोर पावरफुल, ये ठीक है, पाइथन काफी पावरफुल है एंड हैज अ डिफरेंट सिंटेक्स फ्रॉम सी, और पाइथन का जो सिंटेक्स है काफी डिफरेंट है सी लैंग्वेज से। तो ये हमको करेक्ट लग रहा है, मतलब ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या है? पाइथन इज लेस पावरफुल एंड हैज अ सिमिलर सिंटेक्स, नहीं सिमिलर नहीं होगा, कुछ हद तक सिमिलर है, मोस्ट ऑफ द केस में नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा सा सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पाइथन इज मोर पावरफुल, काफी पावरफुल है एंड डिफरेंट सिंटेक्स फ्रॉम सी। ठीक, डिफरेंट सिंटेक्स है सी से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है? हु वी आर द डेवलपर ऑफ एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हु रिप्लेस एबीसी विद पाइथन एज अ हॉबी प्रोजेक्ट। ये भी हम बता चुके हैं आपको, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना है और इसका आंसर बताना है। तो कौन ऐसा मतलब साइंटिस्ट थे जो एबीसी लैंग्वेज को डेवलप किए थे, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए थे, और कौन ऐसा साइंटिस्ट थे जो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हटा करके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाए थे, एबीसी को रिप्लेस किए थे, उसके बाद पाइथन को लाए थे? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? लियो गर्सर, लैम्बर्ट मार्टिन है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टीफन पेम्बरटन है, इनको हम लोग स्टीफन पेम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, और गाइडो वेन रॉसन है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, लियो गर्सर, लैम्बर्ट मार्टिन, स्टीफन पेम्बरटन और गाइडो वेन रॉसन। तो गाइडो वेन रॉसन जो थे ये क्या किए थे? ये आपको रिप्लेस किए थे पाइथन, मतलब एबीसी लैंग्वेज जो था उसको रिप्लेस करके पाइथन को लाया गया था, क्योंकि एबीसी काफी डिफिकल्ट था, काफी उसका जो सिंटेक्स था हार्ड था, इसके लिए उसके जगह कुछ ऐसा लैंग्वेज को मतलब लाना चाहते थे वो, जो काफी ईजी हो, काफी मतलब कंपेटेबल हो प्रोग्रामर के लिए। तो वो उस समय पाइथन लैंग्वेज को लेकर आए थे, पाइथन लैंग्वेज को डिजाइन किए थे। ठीक है, और एबीसी लैंग्वेज जो उससे पहले था उसको रिप्लेस करके लाया गया था पाइथन। तो एबीसी को डिजाइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम ये आपका लियो गर्सर, लैम्बर्ट मार्टिन और स्टीफन पेम्बर, मतलब ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन सेवन क्या है क्या नहीं है। इन विच ईयर एंड कंट्री वाज द एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड? अब कौन सा कंट्री में और कहां पे एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था? तो कौन सा ऐसा कंट्री था जहां पे एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था और किस ईयर में किया गया था? सबसे पहला चीज ये आया, तो सबसे पहले 1947, मतलब 1947 इंडिया में किया गया था, या फिर रशिया में किया गया था, जापान में किया गया था, नीदरलैंड में किया गया था 1987 में। ठीक है, तो सिंपल सा है, जापान में नहीं किया गया था, रशिया में नहीं किया गया था, इंडिया में भी नहीं किया गया। तो कहां पे किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है 1987 में, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है सीडब्ल्यूआई लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, सीडब्ल्यूआई लेबोरेटरी क्या है? तो मैथमेटिकल और कंप्यूटर साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, मतलब मैथमेटिकल और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी काम को करने के लिए, उससे रिलेटेड कोई भी रिसर्च करने के लिए एक लेबोरेटरी है, वहीं पे क्या किया गया था, इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट को। क्वेश्चन नंबर एट में क्या है? क्वेश्चन नंबर एट में व्हाट इज द व्हाट डज सीडब्ल्यूआई स्टैंड फॉर एंड When and where it was established? वही चीज है, it was established नहीं, it established है। तो what does CWI stands for? मतलब CWI को हम लोग क्या कहते हैं और when and where it established? मतलब कब ये established किया गया था? तो CWI को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल स्कूल इन्फॉर्मेटिक, उसके बाद 1946 में डेवलप किया गया था, उसके बाद नीदरलैंड स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, ये देखिए पहला वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रम विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिक्स, इसका मतलब ये होगा, फुल फॉर्म होगा, और 1946 में इसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नीदरलैंड में किया गया था। और ये क्या है? तो स्पेस, नहीं ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक सही है, यहां तक ठीक है, यहां तक आपका करेक्ट है, लेकिन ये जो आपका स्पेस रिसर्च सेंटर आ गया ये आपका गलत है, क्योंकि वो स्पेस रिसर्च सेंटर है ही नहीं। वो है क्या? वो है मैथमेटिकल रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रम विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिक्स 1946 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था नीदरलैंड में, और मैथमेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ना कि स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पाइथन? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन को मेंटेन करता है, हैंडल करता है, और उसके डेवलपमेंट में उसका बहुत ही ज्यादा रोल है? ठीक है, उसका एक अहम भूमिका है। तो वो है आपका पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फर्स्ट वाला ही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ये ऑप्शन जो ऑप्शन है ए होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए PSF। ठीक है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हेन वी आर द ओल्डेस्ट एंड लेटेस्ट When were the oldest and latest version of Python released? कब oldest और latest version Python का release किया गया था? ठीक है, तो इतना तो आपको पता है कि Python का oldest version कौन है, कौन सा है? तो वो है आपका 0.90.0, latest version कौन सा है? तो 3.12.0। ठीक है, उसमें भी तीन चार वर्जन और है, जैसे 3.12.1, फिर उसके बाद आ गया 3.12.2, ऐसे करके 3.12.7 तक है। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट हम लोग मान के चलते हैं 3.12.0 को ही मानते हैं लेटेस्ट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद का जो भी मतलब वर्जन आता है वो उसको ज्यादा काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यही पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? तो व्हेन वी आर द ओल्डेस्ट एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन रिलीज, कब ओल्डेस्ट और लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन को रिलीज किया गया था? क्वेश्चन यही है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 0.90 1991 2020 में तो नहीं किया गया था, इधर
प्रीवियस ईयर 2023 मतलब 2023 में ही किया था और 2 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है। चलिए लेटेस्ट वर्जन को, तो इसका तो ये करेक्ट हो गया और इसका 1991 में ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो 0.90.0 1991 में रिलीज किया गया था, ठीक है। और लेटेस्ट वर्जन जो है ये आपका ओल्डेस्ट वर्जन है 0.90.0 और लेटेस्ट वर्जन 3.3.12.0 2023 में 2 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर या 7 अक्टूबर है आप देख लीजिएगा, 2 अक्टूबर या ज्यादातर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ ज्यादा भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो भी क्वेश्चन सेट किया वो आपका या तो हमें जवाब देना है नहीं तो न में, या तो यस नहीं तो नो, ठीक है, नहीं तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, वन या जीरो यही होगा। चलिए इस पाइथन इज हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 तक है वो इजी है। तो क्या पाइथन जो है हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, तो इसको एक बार खुद आप सोच करके देखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इजी है। इससे पहले हिस्ट्री ऑफ पाइथन से था, अब आपका व्हाट इज पाइथन से है, तो ये है आपका, हाँ है एकदम है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, ए होगा, यस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, इस पाइथन बेस्ड ऑन बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये तो सोचने वाला बात है और ये हम बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक है। इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, पाइथन क्या कंपाइलर बेस्ड है और इंटरप्रेटर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हम तो हमेशा बोलते हैं इंटरप्रेटर के ऊपर बेस्ड है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज पाइथन जो है कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है, लेकिन डिपेंड करता है उसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, है, समझ में आया। कहने का मतलब क्या है, पाइथन क्या है कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इस पाइथन इज बेस्ड ऑन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, क्या पाइथन बेस्ड है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के ऊपर, तो यस हाँ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, क्यों होगा, क्योंकि कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर के भी ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में डज एन इंटरप्रेटर रन होल प्रोग्राम सिमल्टेनियसली, क्या इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रन कर देता है, क्या पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, तो गलत है, नहीं, इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था, डज एन इंटरप्रेटर रन होल प्रोग्राम सिमल्टेनियसली, क्या इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है, तो नहीं, पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं रन करता है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, डज अ कंपाइलर एग्जीक्यूट द होल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन स्लोली, क्या कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन और बहुत ही धीरे करता है, तो नहीं, आपको हम बताए थे इस दोनों केस में कि जब भी कंपाइलर जो होता है किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करता है तो बहुत ही स्पीड में करता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कब करता है, बहुत ही कब कर मतलब उसको एग्जीक्यूट करेगा बहुत ही फास्टली एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, तो क्यों करेगा, ये हम बता चुके हैं क्यों करेगा, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल उसमें आपको देकर बताया था ना, क्योंकि वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेता है उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। अब इंटरप्रेटर में क्या है, वो पढ़ेगा एग्जीक्यूट करेगा, पढ़ेगा एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, और कंपाइलर में ऐसा नहीं होता, कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड कर लेगा, उसके बाद उसका एक बार इंप्लीमेंटेशन करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, आप ऐसे समझिए, ठीक है। और लाइन बाय लाइन तो एकदम नहीं पढ़ता है कंपाइलर, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा नो, ठीक है। 14 का आंसर क्या होगा, नो होगा, क्यों होगा, क्योंकि कंपाइलर जो है कभी भी लाइन बाय लाइन नहीं ये करता है एग्जीक्यूट करता है कोड को, और स्लो तो बिल्कुल भी नहीं करता है, काफी फास्ट होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, हम इंटरप्रेटर के कंपैरिजन से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 15 की, इज अ लो लेवल लैंग्वेज क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज देन हाई लेवल लैंग्वेज, क्या लो लेवल लैंग्वेज जो होता है क्लोजर होता है मशीन लैंग्वेज के एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, तो जी बिल्कुल, लो लेवल लैंग्वेज जो होता है काफी क्लोज होता है मशीन लैंग्वेज के एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, ये तो सही बात है, लो लेवल लैंग्वेज किसके क्लोजर होता है मशीन लैंग्वेज के, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, यस, ठीक है, क्योंकि लो लेवल क्लोज होता है मशीन लैंग्वेज के और हाई लेवल क्लोज होता है नेचुरल लैंग्वेज के। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16, डज अ लो लेवल लैंग्वेज ऑफर मोर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर देन हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल, लो लेवल लैंग्वेज जब भी हम लोग लो लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग हार्डवेयर का मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए, लो लेवल लैंग्वेज का जब भी यूज करते हैं उसमें हम लोग को क्या चाहिए, हार्डवेयर का मेंटेनेंस और उसमें ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि जब हम आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाते होंगे तो आप क्या करते होंगे कि अपने कंप्यूटर में पाइथन को डाउनलोड करके और उस पर प्रोग्राम कर लेते होंगे तो रन कर जाता होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही लो लेवल लैंग्वेज रहता तो क्या होता, आप में कुछ और प्रोग्रामिंग करना पड़ता, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ता, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं लाना पड़ता है हाई लेवल में, तो वही यहाँ पे कह रहा है इस लो लेवल लैंग्वेज ऑफर मोर कंट्रोल, क्या लो लेवल लैंग्वेज जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है हर तरह के हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है, देन हाई लेवल लैंग्वेज एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, तो जी बिल्कुल, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यस हाँ, ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, मोर ओवर कंट्रोल करना पड़ता है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब कैन पाइथन कोड इज यूज फॉर ऑटोमेशन एंड गेम डेवलपमेंट, ये तो कोई भी बता देगा, एक बार इसका आंसर आप जरूर दीजिए क्योंकि बहुत ही इजी है। पाइथन कौन सा लैंग्वेज है, तो पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वैसा लैंग्वेज जो किसी और मतलब वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अनदर प्रोग्राम को कंटेन करे उसके साथ साथ उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर सेक्टर में यूज किया जाए उसको हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप जानते हैं पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हर सेक्टर में यूज किया जाता होगा, मोस्ट ऑफ द केस में यूज किया जाता होगा, तो इसका यूज हम लोग ऑटोमेशन में भी उसके साथ साथ हम लोग गेम डेवलपमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन और गेम डेवलपमेंट करेक्ट है। चलिए तो पाइथन का यूज हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, ऑटोमेशन के भी साथ और गेम डेवलपमेंट के भी साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट है। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, डज पाइथन प्रोवाइड अ लार्ज रेंज ऑफ लाइब्रेरी एंड टूल इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्या पाइथन लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी एंड टूल्स को प्रोवाइड करता है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, तो बिल्कुल करता है, तो यस होगा आंसर नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, पाइथन जो है लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी और टूल को प्रोवाइड करता है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। उसके बाद का क्या है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 19 की, तो 19 में क्या है, 19 में है, डज पाइथन प्रोवाइड लार्ज रेंज ऑफ लाइब्रेरी एंड टूल इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यही तो था,
डज पाइथन लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी टूल्स इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अच्छा ये दो बार मेंशन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 को दो बार कोट कर दिए, इसका भी आंसर यस होगा, ठीक है, ये भी वही होगा। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे किसको, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इज पाइथन इज लो लेवल और मार्कअप लैंग्वेज। पाइथन का लो लेवल लैंग्वेज है और मार्कअप लैंग्वेज है, ये तो कोई भी बता देगा, पाइथन लो लेवल लैंग्वेज कैसे हो सकता है, हाई डिमांडेबल लैंग्वेज है, उसके साथ साथ मोर पावरफुल लैंग्वेज है, और यहाँ पे इसको लो लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, पाइथन इज नॉट लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इज पाइथन इज लो लेवल और मार्कअप लैंग्वेज, नो पाइथन इज नॉट लो लेवल और मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन 21 का। क्वेश्चन 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में है, व्हाट डज केस सेंसिटिव मींस फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां से जो क्वेश्चन आया इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझ के इसका आंसर देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 30 तक का जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से हम सेट किए हैं। पहले शुरू में बहुत ही आसान होगा, बीच में मॉडरेट लेवल का होगा, उसके बाद थोड़ा सा भारी आएगा, फिर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया हुआ। चलिए लेकिन टॉपिक से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन सी, इसमें कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग नहीं आपको देखने को मिलेगा, बस इसमें आपका थ्योरी है, टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, व्हाट डज केस सेंसिटिव मींस फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप केस सेंसिटिव का मतलब क्या समझते हो, केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो केस सेंसिटिव किसको बोलते हैं, उसी के बारे में बोल रहा है। तो केस सेंसिटिव में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सिमिलरिटी बिटवीन द सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक लेटर। सिमिलरिटी बिटवीन द सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक लेटर, किसी सिंबल और नंबर वाला जो लेटर होता है 1 2 3 4 इंटीजर जिसको हम लोग बोलेंगे उसके, वो अगर एक जैसा रहेगा, अगर उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहेगा तो वो क्या केस सेंसिटिव कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन द सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक लेटर, जो सिंबॉलिक लेटर होता है और न्यूमेरिक लेटर होता है उसके बीच में सिमिलरिटी तो नहीं रहेगा लेकिन डिफरेंस रहेगा, तब वो केस सेंसिटिव कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मोर सिमिलरिटी बिटवीन द अपर केस एंड लोअर केस लेटर, मतलब ज्यादा से ज्यादा सिमिलरिटी हो अपर केस में और लोअर केस लेटर में, तो क्या वो कहलाएगा केस सेंसिटिव, नहीं बिल्कुल नहीं कहलाएगा। सिमिलरिटी क्या अपर केस और लोअर केस लेटर एक जैसा होगा तब कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा सिमिलरिटी हो सकता है कैपिटल में और कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। यहाँ पे अपर केस को क्या बोल रहे हैं, कैपिटल लेटर, अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है उसको अपर केस बोलते हैं और लोअर केस बोलते हैं जो अल्फाबेट में मतलब स्मॉल लेटर जो होता है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, डिफरेंसिंग बिटवीन द कैपिटल लेटर एंड मतलब वही बिटवीन द कैपिटल एंड लोअर केस लेटर, कैपिटल एंड लोअर केस कहने का मतलब है अपर केस एंड लोअर केस लेटर, मतलब डिफरेंस अगर दिखेगा आपको प्रोग्रामिंग में, मतलब प्रोग्राम के सिंटेक्स में अगर आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाए अपर केस लेटर के बीच और लोअर केस लेटर के बीच, तो वहां पे आप समझिए वो लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यही अगर एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल में मार्कअप लैंग्वेज है वो, उसको अगर आप कोड कीजिएगा चाहे वो आप अपर केस में लिखिए या लोअर केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। टैग वगैरह जो यूज करते हैं एचटीएमएल में या फिर आप सीएसएस वगैरह में भी यूज करते होंगे तो उसमें भी अपर केस और लोअर केस दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है, जावा में ऐसा नहीं है, सब सबके सब लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे जब भी लोअर केस और अपर केस के बीच में डिफरेंस दिखे तो वो लैंग्वेज क्या होगा, केस सेंसिटिव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट पीवाई एक्सटेंशन एंड व्हाई इट यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग फाइल। अच्छा डॉट पीवाई एक्सटेंशन का क्या मीनिंग होता है, कहने का मतलब यही है कि डॉट पीवाई एक्सटेंशन का क्या मीनिंग होता है और प्रोग्रामिंग फाइल में इसका क्या यूज है, प्रोग्रामिंग में क्या यूज है डॉट पीवाई एक्सटेंशन का और हम लोग किसको बोलेंगे डॉट पीवाई एक्सटेंशन, यही बोल रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया उसको एक बार देख लेते हैं, इट इंडिकेट अ पाइथन बिट कोड फाइल, पाइथन बाइट कोड फाइल को इंडिकेट करता है, बिल्कुल नहीं। इट इंडिकेट पाइथन सोर्स कोड फाइल, क्या ये पाइथन सोर्स कोड फाइल को इंडिकेट करता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जब भी हम लोग डॉट पीवाई का यूज करते हैं तो पाइथन सोर्स कोड फाइल को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको प्रोग्रामिंग करके हम क्या किए थे, सेव सेकंड में डॉट पीवाई एक्सटेंशन का यूज करके बताए थे, उसमें हम लोग कोडिंग भी करते थे ना, सोर्स कोड को ही कोड करते थे ना, उसमें स्टफ फाइल वगैरह के बारे में नहीं बताए थे ना, वहाँ पे जीपैप मॉड्यूल वगैरह के बारे में नहीं बताए थे, वहाँ पे आपको कोडिंग करके दिखाए थे। तो सोर्स कोड में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, डॉट पीवाई एक्सटेंशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, इसीलिए सेव सेकंड पहले बताए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, व्हाट डज द डॉट पीवाई ओ एक्सटेंशन इंडिकेट फॉर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डॉट पीवाई सी एक्सटेंशन। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है, कहने का मतलब है कि डॉट पीवाई एक्सटेंशन क्या इंडिकेट करता है और ये डॉट पीवाईसी एक्सटेंशन से अलग कैसे है, इसको आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इट इंडिकेट द पाइथन बिटकोड फाइल एंड ऑप्टिमाइज्ड विद ओ फ्लैग। अच्छा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, कहने का मतलब क्या है, आपको हम बताए थे क्या कि हम लोग डॉट पीवाईसी एक्सटेंशन का यूज क्यों करते हैं, डॉट पीवाईसी एक्सटेंशन का यूज हम लोग जब भी करते हैं तो जीपैक मॉड्यूल को मतलब जो भी आपका मतलब जीपैक मॉड्यूल यहाँ पे नहीं मतलब विंडो के ऊपर, ठीक है, बिना रन कराए हुए डॉट पीवाई एक्सटेंशन को मैनेज करने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं डॉट पीवाई, जब हम लोग किसी भी एक्सटेंशन का यूज करते हैं उसको डॉट पीवाईसी एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है, इट इंडिकेट पाइथन बाइट कोड फाइल, डॉट पीवाईसी एक्सटेंशन और डॉट पीवाई एक्सटेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो एक ही चीज का डिफरेंस है, आप कैसे देखते हो इसको, तो ये आपका बीट कोड फाइल को इंडिकेट करता है और ओ फ्लैग को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब 23 का ए करेक्ट हो गया, अब हम लोग बात करते हैं 24 को, ठीक है। 24 वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, 24 में क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉट इन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामिंग फाइल। ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये हम एक्सटेंशन से ही क्वेश्चन सेट किए हैं, ठीक है। चलिए ये सब पढ़ाया हुआ है, ये डॉट जो होता है प्रोग्रामिंग फाइल में जो आप यूज करते हो, डॉट पी वाई, डॉट पी वाई ओ, डॉट पी वाई डब्ल्यू, डॉट पी वाई सी, डॉट पी वाई जेड और भी कई सारा एक्सटेंशन है, वो सब एक्सटेंशन में डॉट यूज होता है। तो वहां पे डॉट का मतलब क्या हुआ, डॉट का मतलब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, इट इंडिकेट द टाइप ऑफ, इट इंडिकेट द फाइल एंड हाउ इट शुड बी प्रोसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और अ प्रोग्राम। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब एकदम सिंपल है, क्या यह फाइल को इंडिकेट करता है, फाइल के टाइप को बताता है, बता चुके हैं आपको हम कि डॉट पीवाई मतलब या फिर डॉट पीवाईसी कोई भी एक्सटेंशन हो, डॉट पीवाईडब्ल्यू या फिर डॉट जेपीजी हो, डॉट एमपी4 हो या फिर कोई भी एक्सटेंशन हो फाइल का, वो फाइल के
टाइप को बताता है, मतलब फाइल किस तरह का है उसको डिफाइन करता है। तो फाइल किस तरह का होगा और किस तरह का नहीं होगा इसको डिफाइन कौन करेगा? तो वही जो डॉट का हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ड का यूज जो करते हैं, डॉट पीवाई हो गया, फिर उसके बाद एमपी फोर हो गया, तो वही डॉट डिसाइड करता है कि फाइल किस टाइप का होगा, और वही डॉट को रीड कर लेता है, पढ़ लेता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कि डॉट के बाद आप किस तरह के वर्ड को यूज किए हैं, और वो वर्ड अगर मैच करता है उस फाइल से, रिलेट करता है, वो फाइल से रिलेटेड होता है, तो वो फाइल आप में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, इट इंडिकेट द टाइप ऑफ फाइल एंड हाउ इट शुड प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फाइल के टाइप को इंडिकेट करता है, अदरवाइज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस होता है उसमें ये हेल्प करता है उस फाइल को पहचानने में, ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है उस फाइल को पहचानने में डॉट। ठीक है, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग फाइल को पहचानने में डॉट जो है हेल्प करता है। डॉट पी वाई मतलब वहां पे डॉट कर क्या रहा है, तो वो प्रोग्रामिंग फाइल है, इसको पहचानने में मदद कर रहा है। वो जो वर्ड है पी वाई वो मदद नहीं करता है, उससे पता नहीं चलता है, पी वाई तो लेटर है, वो लेटर से पहले जो डॉट लगा हुआ है वो डॉट से समझ में आता है कि हाँ ये वाला जो डॉट है इस डॉट के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये समझता है, डॉट के बाद जो वर्ड यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रामिंग फाइल का वर्ड, मतलब प्रोग्रामिंग फाइल को डिनोट कर रहा है, कोई म्यूजिक फाइल को डिनोट कर रहा है। तो वही डॉट पीवाई, डॉट एमपी फोर, डॉट एमपी थ्री, ऐसे करके एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तो यही करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन क्या पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, इसीलिए समझा दिया एक बार। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 25 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज को? तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या होता है ये आपको हम बता चुके हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, अ लैंग्वेज दैट डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ वेरिएबल, कोई ऐसा लैंग्वेज जिसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज दैट चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल ओनली इन रन टाइम, टाइप ऑफ वेरिएबल को चेक करता है रन टाइम, ये भी गलत है। लैंग्वेज दैट चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल ओनली कंपाइलेशन टाइम, कंपाइलेशन टाइम के टाइम रन करता है, ये भी गलत है। कंपाइलेशन टाइम के समय वेरिएबल को चेक करेगा वेरिएबल किस तरह का। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज दैट, यही होगा लैंग्वेज दैट, क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही है, लैंग्वेज दैट अलाउ द थ्री टाइप ऑफ द लैंग्वेज दैट अलाउ द टाइप ऑफ वेरिएबल टू चेंज ओवर देयर लाइफ टाइम। अच्छा यही करेक्ट है, कहने का मतलब क्या है कि लैंग्वेज उस तरह का लैंग्वेज जो अलाउ करता है वेरिएबल को मतलब लाइफ टाइम चेंज कर सकता है, वैसा लैंग्वेज जिससे कि वेरिएबल को लाइफ टाइम तक चेंज किया जा सकता है और उसमें डायनेमिसिटी लाया जा सकता है। आप कई सारा वेबसाइट को ओपन करते होंगे, वेबसाइट में कहीं पर देखिएगा कोई कोई चीज में डायनेमिक फिगर दिखता होगा, ठीक है, किसी में डायनेमिसिटी नहीं होगा, कोई कोई सिर्फ वेब पेज होगा, कोई कोई डायनेमिक होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको हम कैसे समझाएं, जैसे कि ये देखिए ये डायनेमिक हो रहा है, ठीक है, अब ये एक जगह है, इसका मतलब ये क्या है स्टैटिक है, तो ये डायनेमिसिटी लाने का जो काम है, ठीक है, ये लाइफ टाइम रहना चाहिए। जब भी कोई वेबसाइट ओपन करे तो उसका वेरिएबल इस तरह से फिक्स होना चाहिए, उसका वेरिएबल इस तरह से होना चाहिए उस प्रोग्रामिंग का कि उसमें डायनेमिसिटी शो करे यूजर को। आप ऐसे समझिए समझाने के लिए बता रहे, तो वही चीज ये कहने का मतलब यही, इसमें ऑप्शन नंबर डी में यही कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 25 का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 26 को, ठीक है, तो 26 में क्या है, वट इज द डिफिनेशन ऑफ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। अच्छा यूजर फ्रेंडली आपको हम बताएं, यूजर फ्रेंडली क्या होता है, तो यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर का मतलब आप क्या समझते हो, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ कि मतलब हम बताएं आपको, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर का मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर के लिए कंपैटिबल हो, वैसा प्रोग्राम जो प्रोग्रामर के लिए भी कंपैटिबल हो कि वो उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, इसके बारे में तो बता चुके हैं, पहला ऑप्शन क्या है, प्रोग्राम कंपैटिबल फॉर प्रोग्रामर, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर के लिए ही कंपैटिबल हो और मशीन के लिए कंपैटिबल होगा ही नहीं, तो मशीन उस चीज को कैसे समझेगा, मशीन के लिए भी तो होना चाहिए ना, मशीन को भी सहयोग मिलना चाहिए, प्रोग्रामर को भी आसानी होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। अब इंटरप्रेटर का यूज करेंगे ही नहीं तो मशीन के लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो और वन को समझता है, उसके अलावा कुछ को नहीं समझता है। तो यही चीज है यहाँ पे, प्रोग्रामर के लिए भी कंपैटिबल होना चाहिए और मशीन के लिए तो कंपैटिबल होना ही चाहिए, नहीं तो कुछ कोई उपाय नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामर, दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोग्राम कंपैटिबल फॉर मशीन हार्डवेयर, कंपैटिबल फॉर ओनली मशीन हार्डवेयर, या बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन जो होगा इसका, इसका ऑप्शन होगा आपका सी, क्यों, क्योंकि ये प्रोग्रामर के लिए भी कंपैटिबल होना चाहिए और मशीन हार्डवेयर के लिए भी कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए यही ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये नहीं रहता, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे ये वाला नहीं रहता, प्रोग्राम कंपैटिबल फॉर मशीन हार्डवेयर, ये ऑप्शन नहीं रहता, तो वहां पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, समझ में आ रही बात, यहाँ पे दोनों का दोनों दिया हुआ इसके लिए दोनों करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, व्हाट टाइप ऑफ एरर ऑकर व्हेन अ प्रोग्राम फेल्स टू एग्जीक्यूट करेक्टली आफ्टर बीइंग सक्सेसफुली कंपाइल, किस टाइप का मतलब ऑकर, मतलब किस टाइप का एरर हैपेंड होगा, किस टाइप का एरर ऑकर होगा जब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, करेक्टली होगा, ठीक है, जब कोई भी प्रोग्राम करेक्ट हो, ठीक है, और जब उसको सक्सेसफुली कंपाइल किया जाए, तो उसके बाद का जो एरर होगा, कंपाइलेशन के बाद का जो एरर होगा वो कौन सा एरर होगा। तो कंपाइल करने के बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जब प्रोग्राम जब कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद का जो एरर आएगा वो आ जाएगा आपका रन टाइम एरर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर। बार बार हम बोलते थे ना आपको कि हम प्रोग्राम को रन करवा के दिखा रहे हैं, रन करवा के दिखा रहे हैं, तो सिंटेक्स में एरर होता था, स्पेलिंग में मिस्टेक्स होता था, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर। लेकिन जब रन टाइम में ही एरर हो जाए, आप रन करवाए और फिर भी गलत आ रहा है, लेकिन वहां पर आप कोडिंग सही किए हो, प्रोग्रामिंग सही की हो, तो वहां पे जो एरर आएगा वो आएगा आपका रन टाइम एरर, ठीक है। अभी बहुत चीज बताना बाकी है आपको, टेंशन मत लीजिए, और भी है, जैसे डीबगिंग क्या होता है, कंसोल क्या होता है, ये सब बताना बाकी है, वो सब क्लियर करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। अब बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 28 की, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम डैट, एक कंपाइलर जो है, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम डैट, उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है, ठीक है, तो इसको आपको बनाना होगा। पहले तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि विदाउट ऑप्शन पढ़े कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रन स्लोअर देन इंटरप्रेटर, सबसे पहले कंपाइलर इज अ प्रोग्राम डैट स्लो रन करता है इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में, तो कंपाइलर तो स्लो रन करता ही नहीं है कभी भी, ठीक है, कंपाइलर कभी स्लो रन करता है नहीं करता है, एग्जीक्यूट फास्ट करता है, ठीक है, हमेशा कंपाइलर क्या करता है,
फास्ट एग्जीक्यूट करता है, फास्ट रन करता है, जब भी एग्जीक्यूट बोले तो समझिए कि रन करता है। अब वहां पे क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल एज आउटपुट, ये सही है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्रोड्यूस करता है, हम बता चुके हैं कि .exe फाइल को हमेशा जनरेट करता है कंपाइलर। स्टोर द ऑब्जेक्ट कोड फॉर फ्यूचर यूज, ऑब्जेक्ट कोड को भी फ्यूचर यूज के लिए क्या करता है, सेव करके रखता है, फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसलेट द होल सोर्स कोड एट वंस, एक ही बार में जितना भी प्रोग्राम होता है उसको इंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, जी बिल्कुल ये भी करता है। तो यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, इसमें से इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, कंपाइलर के किस, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल एज आउटपुट। उसके बाद क्या है, अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट स्टोर द ऑब्जेक्ट कोड फॉर फ्यूचर यूज, ये भी करेक्ट है, अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द होल सोर्स कोड एट वंस, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। तो यहाँ पे बी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा, डी भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका बी सी एंड डी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। अब हम लोग बात कर देते हैं 30 को, 30 में क्या है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लोवेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है, हम बता चुके हैं लोवेस्ट लेवल और लो लेवल कौन सा होता है, तो लोवेस्ट लेवल यहाँ पे बात कर रहा है तो मशीन लैंग्वेज, तो लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज होता है, ये तो बताने का ही जरूरत नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज कौन सा, मशीन लैंग्वेज। अब आपको धीरे धीरे बहुत ही हल्का हल्का आएगा, बीच में मॉडरेट था, बीच में थोड़ा सा हार्ड हम दे दिए थे, समझने वाला क्वेश्चन को दिए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 30, और 30 में क्या बोल रहा है, हर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो हाँ हर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या है, नॉट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जितना भी मतलब एवरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट नॉट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो फिर उसके बाद का क्या पढ़ना, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया 30 का। अब हम लोग 31 की बात करते हैं, 31 में क्या है, 31 में आपका क्या है, 31 में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मार्कअप लैंग्वेज, इसमें से कौन सा मार्कअप लैंग्वेज है, ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें से मार्कअप लैंग्वेज कौन सा है, डी एस एस एल है, नहीं डी एस एस एल नहीं है, JSSS है, JSSS क्या मार्कअप लैंग्वेज है, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट स्टाइल सीट, स्टाइल सीट लैंग्वेज है, HTML, HTML है, तो जी हाँ HTML है, क्योंकि ये एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट पॉपुलर लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हेन वाज इट फर्स्ट डेवलप, और इसको डेवलप कब किया गया था, मतलब इसमें से लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है और कब डेवलप किया गया था, तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिकल मतलब जो जिसमें लॉजिक वगैरह का यूज किया जाता है उसको लॉजिकल बोलेंगे, ठीक है, ये सब चीज हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, प्रोलॉग, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में प्रोलॉग, उसके बाद है आपका 1972 में इसका मतलब इसको डेवलप किया जाता है 1972 में, है ना, प्रोलॉग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, बाकी बात जो भी है HTML मार्कअप हो गया, ठीक है, CSS वगैरह ये सब आपका स्टाइल सेट वगैरह सब हो गया, ये आपका उस तरह का लैंग्वेज नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोलॉग। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब ये 32 का ए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को, तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या, बाइनरी कोड इज कंपोज्ड ऑफ, बाइनरी कोड क्या चीज को, इस ऑप्शन में से बाइनरी कोड क्या हो सकता है ये आपको बताना है, तो ये तो काफी ईजी है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा या फिर 1 होगा या 0 होगा, ये दोनों ठीक है, मशीन कोड होगा, मशीन कोड वही चीज, बाइनरी कोड इज ऑल्सो नोन एज मशीन कोड, या फिर ऑल ऑफ एबव होगा, तो जितना भी दिख रहा है ABC ये तीनों का तीनों तो बाइनरी नंबर ही है, ठीक है, बस यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया, मशीन कोड यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1 और 0 को वैस वर्सा की तरह कर दिया, 0 पहले 1 को बाद, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 34 की बात करते हैं, 34 में क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मशीन कोड बैक टू असेंबली कोड, अच्छा जब हम लोग मशीन कोड को, क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात कर रहे हैं, मशीन कोड को जब हम लोग कम बैक करके लाते हैं असेंबली कोड में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसमें ऑप्शन क्या है, असेंबली बोलते हैं, ये नहीं होगा कंपाइलर कंपाइलेशन, ये भी नहीं होगा इंटरप्रेटेड असेंबली होगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जब हम लोग मशीन कोड को कम बैक करके लाते हैं असेंबली कोड में, उस समय हम लोग का यूज क्या होता है, उस समय जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं डी असेंबली का, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी असेंबली, द प्रोसेस टू मशीन कोड कम बैक इनटू असेंबली कोड, दैट इज कॉल्ड डी असेंबली। अब हम लोग बात करते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, 34 में आपका कौन सा करेक्ट होगा, डी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसलेटर आर देयर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, टोटल कितना ट्रांसलेटर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो टोटल ट्रांसलेटर होता है आपका 3, ठीक है, क्या क्या होता है, तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है, उसके अलावा 2 ट्रांसलेटर और भी होता है, उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, एक होता है लिंकर, दूसरा होता है डी असेंबली, ठीक है, यहाँ पे जो आपको हम बताया ना लिंकर और डी असेंबलर, तो डी असेंबली वगैरह का यूज हम लोग डी असेंबली और लिंकर नहीं करते, लिंकर का यूज हम लोग जितना भी उप्स फाइल होता है ना, ऑब्जेक्ट बेस्ड फाइल होता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं हम लोग, उसको मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए हम लोग लिंकर का यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ लिंकर का यूज करते हैं, नया चीज है ये आपको हम नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी जब बता रहे तो इसमें बता देते हैं, क्या लिंकर क्या है, तो लिंकर एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर करता क्या है, तो मतलब किसी भी चीज को ट्रांसलेट करने का काम करेगा, तो वहां पर लिंकर करता क्या है, तो जो भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ट्राइंग उस समय बताएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, इसके लिए नहीं बताएं लिंकर के बारे में, जो भी ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल होता है उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने में यूज किया जाता है लिंकर का, ठीक है, यहाँ पे डीएसएमबली के बारे में तो आपको पता ही है, हालांकि डीएसएमबली को हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, ये ट्रांसलेटर नहीं, एक प्रक्रिया है, लेकिन करता काम ट्रांसलेटर का ही,
चलिए अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब भी अगर ऑप्शन में आए तो आप हमेशा टिक आउट कीजिएगा, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, फर्स्ट इज असेंबलर, डी असेंबलर, सॉरी असेंबलर, उसके बाद आपका हो गया इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, ए करेक्ट होगा, 35 का ए। अब हम लोग बात करते हैं 36, 36 में क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, इसमें से कौन जो ट्रांसलेटर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, इसमें से कौन सा है जो ट्रांसलेटर है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, ये तो लिंकर के बारे में तो बता ही दिया ना, चलिए तो लिंकर है, ऑप्शन नंबर बी में कंपाइलर है और असेंबलर है, इसमें से जितना भी है वो सब ट्रांसलेटर ही है, चाहे वो लिंकर हो, कंपाइलर हो या असेंबलर हो, ये सब तो ट्रांसलेटर ही है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 36 का डी, आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम, और यहाँ पे लिंकर एक नया वर्ड है जो आपको इससे पहले नहीं बताए थे, ठीक है, जो भी पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में उसमें हम नहीं बताए थे, तो लिंकर तो अभी क्लियर कर ही दिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को सिंगल, मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को सिंगल कैच में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, उसको हम लोग लिंकर बोलेंगे, ठीक है, वहां भी वो ट्रांसलेटर का यूज करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाटेक्स ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मार्कअप लैंग्वेज, पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर दोनों है, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी, या फिर दोनों में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाइथन, आंसर क्या होगा बी, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 39 के बारे में, तो 39 क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर राइटिंग कमेंट इन पाइथन, पाइथन इसमें से कौन सा ऐसा सिंटेक्स है जिसका यूज हम लोग करते हैं पाइथन में, किसके लिए, तो कमेंट बनाने के लिए, तो हम आपको बता चुके हैं सेट नंबर सेकंड में, ठीक है, या फिर वीडियो नंबर 12 में भी बताए थे कि कमेंट हम लोग कैसे देते हैं, सिंगल कमेंट और डबल कमेंट, ये सब डबल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट भी बता दिए थे, तो इसमें से एक कमेंट हम आपको नहीं बताए थे, वो सिंगल कोटेशन का यूज करके नहीं बताए थे, सिंगल ट्रिपल टाइम कोटेशन को अगर हम लोग यूज करते हैं, सिंगल कोटेशन को ट्रिपल टाइम हम लोग यूज करते हैं, तो वहां भी वो कमेंट का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे हैच दिया हुआ है, इस सिंबल का यूज करते हैं क्या, जी बिल्कुल करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट का, सिंगल मल्टीपल कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट को देने के लिए हम लोग सिंगल कोटेशन का ट्रिपल टाइम यूज करते हैं, ठीक है, और ट्रिपल टाइम हम लोग डबल कोटेशन का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ये सारा तरीका, ये जितना भी तरीका है, ये सभी तरीका कमेंट देने के लिए ही है, किसमें, पाइथन के अंदर, ये जो भी सिंटेक्स है कमेंट देने के लिए ही पाइथन के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 39 में। अब हम लोग बात करते हैं 40 के बारे में, 40 में क्या है, तो 40 में आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट परमिट प्रमोट एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ पाइथन, कौन सा ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, और वो करता क्या है, तो प्रमोट करता है क्या चीज को, तो डेवलप करने में, किसको, तो पाइथन को, पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने में, कौन सा ऐसा एसोसिएशन है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जो पाइथन को प्रमोट करता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, पहला ही करेक्ट होगा, ये कितना बार हम बता चुके हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होगा, ठीक है, पीएसएफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 41 की हम बात करते हैं, व्हाट डज आईडीएलई स्टैंड्स फॉर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, आईडीएलई को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो कितना बार बता चुके हैं, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपने आप आपको समझ में आ गया होगा, कौन होगा, पहला क्या है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरमेंट, दूसरा क्या है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट, बी करेक्ट होगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं 42 की, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम एंड वीएस कोड, इसमें से कौन सा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है एटम के लिए और वीएस कोड के लिए, अब एटम किसी को पता ही नहीं होगा क्योंकि हम बताई नहीं, तो किसी को नहीं, मतलब जो मेरे वीडियो को देखे होंगे, पाइथन को पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा क्योंकि एटम के बारे में हम नहीं बता रहे वीडियो, एटम भी समझिए एक तरह का आपका आईडीई है, ठीक है, एटम क्या एक तरह का आईडीई है, मतलब आईडीई ही है, पाइथन की तरह, वीएस कोड की तरह, सबलाइन की तरह, एक तरह का क्या आईडीई है जो प्रोफेशनल आदमी यूज करता है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे सबसे पहले एडिटेड एनवायरमेंट है, क्या यहाँ पे वीएस कोड आइटम वगैरह जो है वो एडिटेड एनवायरमेंट है, या फिर वीडियो एडिटिंग करने वाला एनवायरमेंट है, या फिर आईडीई एनवायरमेंट है, डेवलपमेंट वाला एनवायरमेंट है, एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे गेम वगैरह डेवलप करने वाला एनवायरमेंट है, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट, गेम डेवलप करने वाला एनवायरमेंट आईडीई है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 43 में क्या है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ क्रिएट न्यू फाइल इन पाइथन, पाइथन में नया फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो अल्ट प्लस इंसर्ट, अल्ट प्लस इंसर्ट को प्रेस कीजिएगा तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा पाइथन में। अब हम लोग 44 की बात करते हैं, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन सेटिंग इन पाइथन, अच्छा पाइथन में सेटिंग को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो पाइथन में सेटिंग को ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल अल्ट प्लस एस, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, कंट्रोल अल्ट प्लस एस, ठीक है, आप जब भी इसको प्रेस कीजिएगा कंट्रोल अल्ट प्लस एस को, तो अपने आप सेटिंग ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे पाइचाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग आईडी में अलग अलग तरीका से ओपन होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के, व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड्स फॉर, पीडीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट फाइल होता है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट फाइल होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, ठीक है, फाइल नहीं फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं 46 के बारे में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएसएस इन वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में सीएसएस का क्या मतलब फुल फॉर्म होता है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, या फिर फुल फॉर्म बता दिया, मतलब ये दूसरा चीज है, ऑप्शन में दूसरा चीज है, क्या बोल रहा है, मार्कअप लैंग्वेज है, हम फुल फॉर्म इसका बता दिए, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, स्टाइल शीट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है, अभी हम बताएं इसका जो फुल फॉर्म है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब स्टाइल शीट लैंग्वेज है, डिजाइनिंग करने का काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी हो जाएगा, स्टाइल शीट लैंग्वेज। अब यहाँ पे 47 की बात करते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मशीन कोड, मशीन कोड का दूसरा दूसरा नाम क्या है, या फिर मशीन कोड को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, हेक्सा कोड के नाम से जानते हैं, हेक्सा डेसिमल हम लोग वही समझिए, उसके नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऑक्टा डेसिमल नहीं, ऑक्टा डेसिमल नहीं बोलेंगे, उसको ऑक्टा कोड बोलेंगे, नहीं जानते, बाइनरी कोड के नाम से जानते, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मशीन कोड को हम लोग बाइनरी कोड भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज डॉट ईएक्सई, डॉट ईएक्सई किस टाइप का फाइल है, अब ये तो आपको हम बता दिए ऑप्शन नंबर ऊपर वाले ऑप्शन में, कि या फिर इससे पहले वाले वीडियो में बताएं कि जब भी कंपाइलर का यूज करता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो डॉट ईएक्सई फाइल को जनरेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर नहीं जनरेट करता, वो भी हम बताएंगे डॉट ईएक्सई फाइल कहाँ पर जनरेट हुआ, वो भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपका, वीडियो नंबर 13 वाला, उसमें वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है, बस अब इसीलिए तो पहले हम बता दिए प्रैक्टिकल, उसके बाद ये थ्योरी का क्वेश्चन लाए, यही सब चीज क्लियर हो जाए इसके लिए, तो यहाँ पे डॉट ई एक्स किस टाइप का फाइल है, तो एक्जीक्यूटेबल फाइल है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया, ठीक है, नंबर ए
48 का क्या होगा ऑप्शन ए, एग्जीक्यूटेबल फाइल, प्रोग्रामिंग फाइल भी नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग फाइल होता है तो डॉट सी होता है, डॉट सी प्लस 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 होता है, डॉट जेएस होता है, डॉट पीवाई होता है एक्सटेंशन, लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 49 को, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड द मदर ऑफ कंप्यूटिंग, सबसे पहले मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है और सबसे पहले कौन प्रोग्राम लिखा था, मतलब प्रोग्राम को कोड किया था, मदर ऑफ कंप्यूटिंग या फिर सबसे पहले प्रोग्रामर जो थी वो कौन थी, ठीक है। तो मदर ऑफ कंप्यूटर या फिर नैंसी स्वान थी या फिर ओमेगा मार्टिन थी या एडा लवलेस थी। तो एडा लवलेस थी, इनका पूरा नाम अगस्त्या एडा लवलेस था, इनको मदर ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं। ये चार्ल्स बेबीज की असिस्टेंट थी, इसके साथ साथ ये एक मैथमेटिकल इंजीनियर भी थी, इंग्लिश लिटरेचर भी थी, मतलब इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर नहीं थी, मतलब ये एक तरह की मतलब इंग्लिश मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं बोलेंगे आप, इंग्लिश इंग्लिश मैथमेटिशियन थी, ठीक है। उसके साथ साथ ये एनालिटिक इंजीनियर भी थी, है ना। तो वो क्या की थी, सबसे पहले प्रोग्राम लिखी थी, सबसे फर्स्ट प्रोग्रामर हम लोग बोलते हैं एडा लवलेंस को, सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखने वाली जो फर्स्ट मतलब प्रोग्रामर या फिर मदर ऑफ कंप्यूटर जो बोलेंगे वो एडा लवलेंस ही थी, ठीक है, जो चार्ल्स बेबीज की असिस्टेंट थी, उनके साथ रह करके काम करती थी और उनके साथ जो भी काम होता है वो सीखती थी, ठीक है। चलिए, और फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबीज को। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन को, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 50 की, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ए आई एम एल स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्कअप लैंग्वेज, क्या ए आई एम एल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, इसके लिए सबसे आसान दे दिए, ठीक है जी, बोलते हैं ट्रू, हाँ बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्कअप लैंग्वेज ए आई एम एल को ही बोलते हैं, जो एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है, और यही एक लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज होने के साथ साथ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसा नहीं कि और भी अलग अलग लैंग्वेज नहीं है, और भी है, लेकिन ये इस तरह का लैंग्वेज है जो कि मार्कअप लैंग्वेज होने के साथ साथ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मार्कअप लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो ए आई मेल इज अ टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज दैट इज आल्सो नोन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एडवांस इनहांस अपग्रेड अपडेट वर्जन ऑफ एक्सएमएल, मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये ए आई मेल जो है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का एक एडवांस वर्जन है, जिससे आप जो बात करते हो ना गूगल के ऊपर जो आता है आपका वॉइस सर्च वगैरह करके, वो जितना भी चीज है वो सब आपका ए आई मेल से ही बनाया जाता है, जो भी वॉइस सर्च आता है या फिर माइक्रोफोन वगैरह जो एक्सेस वगैरह किया जाता है वो सब ए आई मेल से ही क्रिएट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्कअप लैंग्वेज से। इसके लिए हम बोलते हैं पाइथन पढ़ना जरूरी है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी संभव है जब आप पाइथन लैंग्वेज को पढ़ोगे, मतलब ए आई मेल अलग है, चैट बुक वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसके साथ और भी कई सारा चीज है जिसका यूज किया जाता है। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर मैसेज कीजिए, टेलीग्राम में तो आज हम सेंड कर ही देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सेंड कर दिए हैं, अभी उसका पीडीएफ वगैरह हम सेंड कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, ठीक है, तुरंत उसका इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी डाउट हो जरूर मैसेज कीजिए, एंड थैंक्स टू गिव योर वैल्युएबल टाइम ऑन दिस वीडियो, आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर से एक बार हम आपको बोल रहे हैं, आप जरूर मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का हो या फिर आपका पाइथन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक मतलब अभी तक जितना भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है, वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इस पाइथन में क्या है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको आएगा, तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा पाइथन का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है, इसके लिए ज्यादा क्वेश्चन बनवा रहे हैं और बताएंगे हम लोगों का जो बेसिक्स ऑफ पाइथन है वो आएगा, उसके बाद आपका मतलब जो सेट नंबर 3rd है वो भी अपलोड होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, अब यहाँ से समझने वाला चीज शुरू हुआ है तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको इसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आएगा, ठीक, तो सिस्को का भी प्रैक्टिकल आने वाला है, वो भी आ जाएगा, नेटवर्किंग में कुछ बताना है, आईपी एड्रेस वगैरह, ट्रांसमिशन वगैरह, वायर वगैरह, केबल वगैरह, टोपोलॉजी वगैरह और भी बहुत सारा चीज़ है उसके बारे में बताना है, तो उसका भी आ जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो को टर्मिनेट करते हैं, मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 3rd के साथ और बेसिक्स ऑफ पाइथन के भी साथ, ठीक है, जब तक बेसिक्स ऑफ पाइथन नहीं बताएंगे तब तक सेट नंबर 3rd को अपलोड नहीं कर सकते, ठीक। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।